दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आपका दिल सहम सकता है, आप विचलित हो सकते हैं। घटना बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए इस तस्वीर को, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे शिक्षक के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के नीचे जो जमीन है, इसी जमीन में छुपा है राज। राज ऐसा कि सोचने भर से रूह कांप उठे। ये सारे बच्चे लापता है, जिनका राज अब जाकर खुला है। इतने सारे बच्चे आखिर कहाँ थे, इनके साथ क्या हुआ, यही हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। कनाडा की एक स्कूल जो दशकों पुरानी है, बच्चों की फोटो के पीछे आप उस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। ये बिल्डिंग एक बोर्डिंग स्कूल की है, जिसमें आदिवासी समुदाय के बच्चे रहते थे। यहाँ के बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। अब इसी स्कूल के परिसर में सैकड़ों बच्चों के शव रहस्यमय तरीके से मिले हैं। सबसे दिल दहलाने वाली बात, इनमें 3 साल की मासूम बच्चों के शवों के अवशेष भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों के शव मिले हैं, वे सभी 1978 में बंद हुए कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के छात्र थे। ये कनाडा का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल है, जो 1890 से 1959 तक चलता था। इसके बाद कनाडा सरकार ने कैथोलिक चर्च से इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया था। रडार मशीन की मदद से इन शवों के बारे में पता लगाया गया। इस पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुख जताया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये हमारे इतिहास की शर्मनाक यादों में से एक है। इस खबर से प्रभावित सभी लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। हम आपके साथ है, इस मसले पर ठोस कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कनाडा सरकार ने 2008 में इस घटना के लिए माफी भी मांगी थी। दरअसल ये पूरी घटना एक सांस्कृतिक नरसंहार था। इसको लेकर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ने 5 साल पहले स्कूल संस्थान में हुए बच्चों पर अत्याचार पर एक रिपोर्ट भी भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अत्याचार और लापरवाही से 3,200 बच्चों की मौत हुई थी। इसमें कैमलूप्स स्कूल में 1915 से 1963 के बीच 51 मौत हुई थी। रिपोर्ट में इस तरह के बोर्डिंग स्कूल में 1.5 लाख बच्चों के शारीरिक उत्पीड़न, रेप, कुपोषण और अन्य अत्याचार की बात सामने आई थी। इस तरह के बोर्डिंग स्कूल 1840 से 1990 के दशक तक ओटावा ईसाई चर्च संचालित करते थे। रिपोर्ट में बोर्डिंग स्कूलों में 4,100 बच्चों की मौत की बात सामने आई थी। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत वाकई में किसी बड़ी साजिश जैसी लगती है।